जय माता दी फ्रेंड्स, मैं सुष्मिता और मेरे इस चैनल कुछ खास पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जो प्लांट आज मैं लाई हूँ, आप उसके कलर कॉम्बिनेशन तो देख ही रहे होंगे। ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन है। फ्लावर्स देखिए, कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स हैं। 5 पेटल्स के हैं और ये कोई अलग फ्लावर्स नहीं है दोस्तों, ये हिबिस्कस ही है। लेकिन जो कॉमन हिबिस्कस आता है उससे थोड़े से अलग हैं। पत्तियाँ आप देखकर समझ रहे होंगे, जो कॉमन हिबिस्कस आते हैं उसके पत्तियाँ आपको पता होगा, और इसके पत्तियाँ आप देखिए अलग हैं। जैसे भिंडी के जो पौधे आपने लगाते हैं लेडीज़ फिंगर के, देखिए उसके पत्तियों से इसके पत्तियाँ बहुत मेल खाते हैं। यहाँ तक कि फ्लावर्स के जो कलियाँ हैं, फ्लावर्स भी बहुत उसके साथ एक ही टाइप के दिखते हैं। तो ये जो है दोस्तों, इसका नाम है रेड रोज़ मेलो। ये भी एक हिबिस्कस की ही प्रजाति है। इसके बहुत सारे कलर होते हैं दोस्तों, तो मैं ये रेड चुनी क्योंकि मुझे रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। और जब मैं नर्सरी में गई तो उस जब पौधे में ये फ्लावर्स लगे हुए थे तो इतने अट्रैक्टिव लग रहे थे, छोटे से पौधे में बहुत बड़े फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने इसे ही चॉइस किया। काफ़ी कलर्स मिलते हैं दोस्तों, पिंक मिल जाएंगे आपको, वाइट रेड कॉम्बिनेशन के, क्रीम कलर के, लाइट येलो मिल जाएंगे। तो आपको जैसे कलर पसंद है आप उस तरह के पौधे ला सकते हैं, और इनकी जो देखभाल है वो तो इक्वल ही है, आप जिस कलर के भी फ्लावर्स लाएं। और पत्तियों की आप बनावट आप देख लीजिए, पत्तियों की बनावट जो है, मैंने कहा जैसे लेडीज़ फिंगर की पत्तियां होती है, बिल्कुल उस तरीके की पत्तियां होती है, और इसमें कलियां भी उसी तरीके की आती है। और ये जो कलियाँ जो है थोड़ी बड़ी रहेगी, और चूँकि इसके फूल भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, थोड़ी सी अगर आप अच्छी तरीके से मेंटेन करें तो ये आपको बहुत तादाद में फूल देते हैं। मेरे इसमें फूल बहुत थे, तोड़ने के बाद देखिए अभी भी इसमें काफ़ी फ्लावर्स है, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं इसके, तो आप लोग को भी अभी इसी समय इसमें ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं तो आप इसे केयर मेंटेनेंस कैसे करेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चले दोस्तों इसके बारे में, ये देखिए इसके जो कलियां हैं, और इसमें ना थोड़े देखिए ये थोड़े थोड़े हल्के हल्के कांटे रुमा रहते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये, तो वाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे। तो जब भी आप इस पौधे के साथ काम करें तो ग्लव्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो हल्के हल्के से कांटे हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये आपके कपड़ों में भी लग सकते हैं, आपके मतलब स्किन में चुभेंगे। और बच्चों से थोड़ी सी दूर रखिए इस पौधे को, क्योंकि उन लोग की स्किन और भी सॉफ्ट होती है, और हमेशा इसे ग्लव्स पहन के इससे काम करें तो ये कांटे आपको नहीं चुभेंगे। अच्छा, और एक चीज़ देखिए दोस्तों, फूल देखिए 5 पेटल्स के फूल होते हैं और बहुत बड़े होते हैं, आप मेरे हाथों से अनुमान लगा सकते हैं कि कितने बड़े इसके फ्लावर्स होते हैं। इसकी मिट्टी की बात बोल देती हूँ दोस्तों, थोड़ी रिच सॉइल चाहिए इसे, तो आप मिट्टी तो ले, गार्डन सॉइल इक्वल प्रोपोर्शन में बालू की मात्रा ले ले, और काउडंग ले ले, वर्मी कंपोस्ट ले ले, उसे अच्छी तरीके से मिक्स करें और उस गमले में लगाएं। गमले का जो ड्रेनेज होल है वो आपको सही रखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये पहले मैं बता देती हूँ, ये डंठल देख रहे हैं आप, फूल ज़्यादा पाने के लिए ये जो डंठल है, ये सब को डंठल को आपको तोड़ते जाना है। जैसे आपने फूल तोड़ लिया तो छोटे छोटे इसमें उसके जो नीचे वाले जो रहते हैं ना स्टॉक टाइप के, उसको आपको हटाते जाना है, तभी जाके आपको ज़्यादा फ्लावर्स मिलेंगे। अच्छा, मिट्टी तो आप इस तरीके से लगा दीजिए। अच्छा, मैंने इसे ग्राउंड में लगाया है, इसलिए आप देख सकते हैं मेरा ये पौधा बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बुशी हुआ है। तो ग्राउंड में तो दोस्तों आप थोड़ी से काउडंग मिट्टी में मिलाकर भी लगा सकते हैं, ग्राउंड से इसे बहुत कुछ मिलते रहता है, मतलब जो भी मिनरल्स वगैरह है वो मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप इसे लगाए तो गमले में लगाते वक्त, ये डंठल मैंने दिखा रहा है, देखिए ये डंठल आपको तोड़ते जाना है, तो जब भी आप गमले में लगाए तो जैसे मैंने मिट्टी का उस तरीके से मिट्टी आप लेकर आप उसे लगाएं।
अच्छा ये तो हो गई मिट्टी की बात। अच्छा पानी जो देना है दोस्तों, ग्राउंड में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप पानी अगर हमेशा नहीं भी देते हैं तो भी इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो नीचे से पानी तो ये खींच ही लेगा इसकी जड़ें। लेकिन जब आप गमले में लगाएं तो जब तक ऊपर की मिट्टी जो है नहीं सूखती है आपको पानी नहीं देना है, और जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो इतना पानी देंगे आप उसमें कि जो ड्रेनेज होल है उससे पानी आप निकलते हुए देख लें, तो इतना पानी आपको देना ज़रूरी है। अब इसमें आता है कि आप खाद क्या देंगे, तो खाद तो आपने पहले डाल दिया, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, गमले में लगाए हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिए, जैसे दूसरे पौधों में देते हैं उस तरीके से दीजिए। अगर मान लीजिए नहीं दे पा रहे तो बरसात के समय में काफ़ी फूल देता है, तो बरसात के जस्ट पहले, बारिश के मौसम के पहले आपको ज़्यादा फूल पाने के लिए इसमें अच्छी तरीके से आप काउडंग वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी हैवी खाद आपको देनी पड़ेगी, और उसके बाद देखिएगा कि इसमें जो कलियां हैं बहुत बड़ी बड़ी आएंगी, फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इस पौधे में ना थोड़े से मिली बग्स लगने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो नीम ऑयल का छिड़काव, जैसे मैंने बताया है नीम ऑयल का किस तरीके से छिड़काव, इसमें वीडियो मेरा है आप देख सकते हैं, उस नीम ऑयल का छिड़काव आप करते रहिए। मेरे इस पौधे में मिली बग्स लग गए थे तो मैंने लगभग 3-4 दिन मुझे लगातार नीम ऑयल का छिड़काव करना पड़ा, और तब जाके मिली बग्स जो गए, नहीं तो पौधे मेरे बहुत ख़राब हो गए थे। मैं डर चुकी थी कि हो सकता है ये मेरे पौधे नहीं बचेंगे, ऐसी हालत हो गई थी इस पौधे की। तो यही कारण है कि दोस्तों कि आपको इसमें नीम ऑयल का छिड़काव आप जैसे 10-12 दिन के अंतराल में दूसरे पौधों को करते हैं इसमें ज़रूर कीजिए, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा बग्स लगने के चांसेस रहते हैं। ये आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये इसके ख़ास ख्याल रखिए। अगल बगल के किसी भी पौधे में अगर लग जाए तो इसमें तुरंत लगने के चांसेस रहते हैं, और हिबिस्किस के ये प्रॉब्लम है, हिबिस्किस के पौधों में मिली बग्स लगने के प्रॉब्लम है। तो और एक पेले नाम का एक दवा आता है जो इनऑर्गेनिक है, वो भी आप ले सकते हैं अपने किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से, उसे आप दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। वो लगभग 1 लीटर पानी में आप 1 ग्राम के लगभग मिलाएं और वो दे सकते हैं आप अपने इन पौधों में, तो उससे भी मिली बग्स जाते हैं, नहीं तो नीम ऑयल का छिड़काव 3-4 दिन लगातार दे दें। ये तो हो गई दोस्तों इसमें से कैसे आप कीट पतंग वगैरह हटाएंगे। अच्छा और इसकी फर्टिलाइज़र की भी बात मैंने कह दी। अब आप देख रहे होंगे कितने सारे फ्लावर्स है, ये देखिए वो उस तरफ ज़्यादा फ्लावर्स है दोस्तों, इस तरफ के फ्लावर्स तोड़ लिए गए हैं तो उस तरफ ज़्यादा फ्लावर्स है। अच्छा फूल ज़्यादा पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बीच बीच में इसके कटिंग कीजिए, जैसे मान लीजिए जिस आप देख रहे हैं कि जिस स्टीम में फ्लावर्स आपके ख़त्म हो गए हैं उसमें कलियाँ नहीं हैं तो वो उसे आप कटिंग कर लीजिए, और सबसे बड़ी बात है कटिंग करने के पहले आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिए, नहीं तो वो जो रोएं हैं ना वो धीरे मतलब जो हल्के हल्के कांटे हैं ना वो आपको चुभ सकते हैं, तो उसे आप कटिंग करते रहिए। तो कटिंग करने से क्या होगा दोस्तों, पौधे जो आपके बूशी भी बनेंगे और साथ ही साथ उसमें जो बगल से दो इसके स्टीम निकलेंगे उससे बूशी बनेंगे और फ्लावर्स भी बहुत ज़्यादा आएंगे। इस तरीके से इसमें आपको कटिंग करते जाना है, जितने कटिंग करेंगे उतने ये बूशी बनेंगे, और ये देखिए इसे कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं, ये मैंने कटिंग लगाए हैं यहाँ पर और कटिंग ग्रो कर चुके हैं, तो इसे आप कटिंग से अलग कर सकते हैं, सीड भी बनते हैं, सीड से भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं सीड, लेकिन कटिंग से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों, और कटिंग से आराम से ये देखिए ग्रो कर चुका है, इसे मैं अब अलग कर लूँगी। तो दोस्तों आज की अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और मेरे जो चैनल उसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो इससे मुझे प्रोत्साहन मिलती है कि अगर आप जितने भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास आएंगे तो मैं और प्रोत्साहित होती हूँ, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं बनाकर आप लोग को भेजूँगी। और ये पौधा ज़रूर लगाए, बहुत इजी टू ग्रो है, हार्डी प्लांट है, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। कमेंट भी दीजिए, कुछ सजेशन हो तो वो भी मुझे दीजिए दोस्तों,
ताकि मैं आपको आपकी सजेशन लेकर इम्प्रूव कर सकूँ अपनी वीडियो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तो जय माता दी दोस्तों।